डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, आज के दिन हमारे अल्लारू सीताराम जी के जूनियर कॉलेज की जगह पर गंगाधर जैसे 5-स्टार लेवल के अतिथि का हमारे यहाँ आना सौभाग्य की बात है। मैं दिल से उनका स्वागत करता हूँ। हमारे गंगाधर जी इस कॉलेज में बहुत काम करने की उम्मीद लेकर आए हैं। हम लोग भी उनके साथ संकल्प करते हैं इस कॉलेज के विकास के लिए और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हम सब लोग इनके साथ रहेंगे। देशभक्ति का गाना प्ले करो। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, आज का दिन मुझे इस जूनियर कॉलेज का सम्मान करने का मन कर रहा है, क्योंकि नए नए आए इन मैथ्स टीचर वेंकटेश जी को आप सभी के सामने माला पहनाना चाहता हूँ। क्यों पहनाना चाहता हूँ? क्योंकि इसी ग्राउंड में हमारे डियर वेंकटेश जी ने कबड्डी 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 खेल करके बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके ऊंचाई हासिल की है। तो ऐसे होते हैं हमारे विद्यार्थी। इतना ही नहीं, कितनी तकलीफों का सामना करके हमारे वेंकटेश जी ने ये मुकाम पाया है। पढ़ाई करने के बाद ये कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या IPS ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन ये सब न करते हुए इन्होंने निश्चय किया कि ये टीचर बनेंगे और वो भी हमारे इस जूनियर कॉलेज सर, में। सर, माला पहनाकर भी तो बोल सकते हैं। और इतना ही नहीं है, हमारे प्यारे वेंकटेश जी को आप सबसे बहुत बातें करनी सर, है। सर, बोलते रहेंगे तो माला में जो बचा है वो भी नहीं बचेगा। पहना दीजिए सर। I'm sorry वेंकटेश जी। सर, एक डाउट है सर। मैं अंदर भी नहीं आया और तुम्हारे डाउट शुरू हो गए, बताओ क्या बात है? सॉरी सर, मास्टर साहब बोले तो नैरो शर्ट, पजामा, धोती, श्री कृष्ण भगवान जैसे दिखना चाहिए, पर आप तो सर हॉलीवुड के हीरो लगते हैं। या चलो, शुरुआत तो अच्छी हुई। सर, आपको गुड मॉर्निंग बोलना है या नमस्ते बोलना है? कान में फूल लगाकर बैठोगे तो ठीक है, खड़े होकर इतनी इज्जत दे दी वही काफी है, बैठ जाओ। गुरुजी, एक हिंदी गुरु होकर हिंदी क्लास में हिंदी विषय पर डाउट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, इतना ज्यादा गौरव, इतना ज्यादा अपमान। गौरव और अपमान की बात छोड़ दो, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, याद रखना। पता है तुम्हें, मैं आपकी तरह पढ़ाई कर चुका हूँ। कुर्सी का पैर काट देना या टेबल के नीचे दिया जलाने की हरकत करना, ये सब मैं भी कर चुका हूँ। छी छी छी, ये सब चीजें तो बहुत मामूली हो गई सर, हमारा लेवल तो बहुत ऊंचा है। लेवल ही ऊंचा है तुम्हारा, सबको छोड़कर बम तैयार किया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, ये तो खूबसूरत हरकत है। बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, वेरी गुड स्टूडेंट। मुझ पर ज्यादा ही यकीन है शायद आप लोगों को। चलो ठीक है, अब एक दूसरे का परिचय करते हैं। तुम्हारा नाम क्या? येसुदास। खुशी हुई, बहुत अच्छे सिंगर का नाम है। नेक्स्ट? पनीर दास। बगल वाला श्रीखंड है क्या? मजाक मत करो। तुम्हारा नाम? वेंकटेश सर। मैंने तुमसे अपना नाम नहीं पूछा है। जो आपका नाम है वही मेरा नाम है सर। सच में? गुड गुड, मेरे जैसे ऊपर जाओगे। कम ऑन द पॉइंट। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी, बोलिए, मेरी क्लास आप ले रहे हैं क्या? अरे, अभी आपकी क्लास है क्या? देखिए, हिंदी क्लास, इंग्लिश क्लास छोड़ दीजिए, हिंदी पीरियड, इंग्लिश पीरियड रहता है, ये मेरा पीरियड है। स्टूडेंट्स, आपने नहीं बताया क्या? सर ने हमें बोलने ही नहीं दिया। हाँ मैडम। नहीं नहीं, टाइम टेबल तो हिंदी क्लास का है। मैडम, यू आर कंफ्यूज। नो, यू आर टोटली कंफ्यूज। नहीं नहीं, आप डायरी खोलकर देखिए। मुझे इसकी क्या जरूरत, आप नए हैं यहाँ पर, मैं तो पुरानी हूँ, मैं सीनियर, आप जूनियर, मैं 3 साल से सर्विस कर रही हूँ यहाँ पर, आपको जाना चाहिए। बॉयज, हाँ, स्पीच अच्छी देती हैं आप, अगले इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं क्या? मैंने कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस टीचर का नाम बता सकते हो? देख लिया ना, डोसा, इडली, लड्डू, उपमा सब मिलाकर खा लिया तुमने। रोजा टीचर नहीं है यार, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। वो लड़की क्लास में फर्स्ट है, खेलने में फर्स्ट है, गाने में फर्स्ट है, और आखिर में बेवकूफ बनाने में फर्स्ट है। अभी तक तो बोल रहे थे कि हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन अब समझ में आया कि तुम्हारा लेवल कितना ऊंचा है। चलो छोड़ो, लेकिन वो रोजा नाम की लड़की कौन है, जरा मैं भी तो देखूं कौन है। माफ कर दीजिए सर, अनजाने में हो गया। I am sorry sir। ये क्या है? मैंने खड़े होने के लिए कहा, तुम बैठ क्यों गई? गेट अप, ऐसा काम क्यों किया तुमने? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सर, न्यूटन्स लॉ। पता है, तुम्हारे बारे में सुना है, खेल कूद में फर्स्ट, गाने में फर्स्ट, पढ़ाई में फर्स्ट, हर चीज में फर्स्ट आती हो। थैंक यू सर। लेकिन बिहेवियर में वर्स्ट हो। वेंकटेश जी। हाँ? मैं हूँ डिक्यू, याद है ना?
ट्रियों, ट्रियों, ट्रियों। क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ तुकाराम, हम साथ साथ पांचवी तक पढ़े थे। मुझे पहचाना नहीं रे? अरे पहचानेगा तो पागल हो जाएगा। क्या रे, तू अभी तक यहीं पर है क्या? हाँ, यहीं पर हूँ ना, मेरी पढ़ाई मजबूत हो जाएगी, इसीलिए मैं एक ही क्लास में दो दो बार बंक मार के अभी तक किसी क्लास में 10 साल से अपनी पढ़ाई मजबूत कर रहा हूँ। दादा, एक जमाने में हम क्लासमेट थे, बेस्ट फ्रेंड थे, बचपन में हमने कितना एंजॉय किया पता है? ये यहाँ पर खड़ा है लेकिन लेडीज बाथरूम में जाकर सेक्सी फिगर उतारता था। तुकाराम, उन बातों का कोई मतलब नहीं, हम साथ में पढ़ते थे वो ठीक है, लेकिन अब रे रे लगाकर बात करना बंद करो। घमंड? कुछ नहीं बोलोगे तुम एक स्टूडेंट हो, वहाँ जाकर बैठ जाओ। ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है, अपने ही गांव को, जन्म देने वाली माँ को, यहाँ पढ़ाई की उस जगह को, वहाँ के दोस्तों को भूल जाएगा तो देश के लिए क्या कर सकता है ये? हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। हंगामा क्यों करता है? बैठ जाओ। हंस क्यों रहा है रे? उसे देख, सर बोलो, सर बोलो, हमें पढ़ाने के लिए है, पढ़ाने के लिए है। स्टॉप इट, क्या ये सब क्या है, हंस क्यों रहे हो? ये हंसने की बात है क्या? ऐसे चार बेवकूफ और मिल जाएंगे तो स्कूल का मजाक बनकर रह जाएगा, समझ गए? ओहो, व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी, सच एन हैंडसम। ये क्या है, हिंदी क्लास में इंग्लिश बोल रही हो? बैठ जाओ, वो किताब देना। तो आज हम लोग क्या है, क्या है, कहाँ जा रहे हो? हाँ बैठ जाओ। हाँ, पहला दिन है, एक लाइन भी नहीं पढ़ाई और तुम लोग जाने की बात सोच रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, आज के दिन हम लोग कहाँ जा रहे हो? सॉरी सर, गेम्स पीरियड, ड्रिल मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे भाई शिशु, हमारे बाजू में वेंकटेश जी रहने के लिए आए हैं, उनके लिए कॉफी लेकर आओ। आपकी इच्छा के अनुसार जिस कॉलेज में पढ़ाई की है उसी जूनियर कॉलेज में लेक्चरर का जॉब कर रहा हूँ, उसी गांव में सेटल हो गया हूँ। तुम कहती हो आज के दिन ही? वेंकटेश्वर जी, किससे बातें कर रहे हो? दीवार पर टंगी दादी माँ की तस्वीर से। दीवार पर टंगी तस्वीर से बात कर रहे हो? तुम भी अजीब आदमी हो भाई, जब तक जिंदा थी तब तक उनसे बात किए, मरने के बाद समाधि से बात किए, और अब उनकी तस्वीर से बात कर रहे हो। तुम्हारे काम भी निराले हैं भाई। अरे शर्मा जी, मेरे गांव छोड़ते समय आपका कोई निकनेम नहीं था ना? अब सारे स्टूडेंट आपको सिंगलपुरी शर्मा कहकर क्यों बुलाते हैं? और क्या है कि मेरा सिर जो है वो थोड़ा ऊंचा है, एक साइड से पूरी जैसा दिखता है, इसीलिए सब मुझे उस नाम से बुलाते हैं, लेकिन तुम मत बुलाना। ठीक है सिंगलपुरी शर्मा जी। अरे सुनते हो, वेंकटेश को काफी देने की जरूरत नहीं है। अरे रे रे रे, दादा ये क्या है, इस उम्र में इतना बोझा उठा सकते हो क्या? किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है। आप इस तरफ हट जाइए दादा, मैं देखता हूँ। अरे आप हटिए ना, मैं देखता हूँ। अरे हाँ, ये तो सरकस स्कूटर है। इसमें क्या है दादा, ये तो इंसानियत है ना, मैं उठाता हूँ। हाँ वो देखो, अरे बाप रे, मेरे नानी। क्या है ये, मसल प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? कर रही हो? अरे हॉलीडे का मतलब है हॉस्टल में बैठ के शांति से पढ़ाई करना, ना कि रोड पर आवारागर्दी करना। कौन कहाँ लटक रहा है, कौन रिक्शा चला रहा है, कौन आइसक्रीम बेच रहा है, ये सब देखना नहीं। चलो जल्दी चलो, चलो। ये चित्र बनाने में किसने टाइम वेस्ट किया है मुझे पता है। ऐसे बेकार इंसान के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लाओ बुक दो, तुम्हारी नहीं चाहिए। मेरी नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? डिस्कशन मत करो प्लीज। भारती तू रुक, क्या है सर, उसके अंदर ज्यादा है और इस बुक में कम है क्या? मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सर कल पढ़ाई शुरू भी नहीं की, गन 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 उससे पहले घंटी बज गई, आज आते ही रोजा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, फिर से घंटी बज जाएगी, हर एक घंटे में एक एक झगड़े होते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी घंटे की तरह हो जाएगी, भगवान हम पर दया करो। काराम अगर तुम ज्यादा बात करोगे ना तो घंटी बाद में बजेगी, पहले घंटी लाकर तुम्हारे सिर पर बजा दूंगा। बाप रे। बैठ जाओ। लड़की, आते ही लड़की का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। ज्यादा बात करोगे तो लेवल बहुत नीचे पहुंचा दूंगा तेरा, बैठ जाओ। औरत सृष्टि के लिए फायदेमंद है, सृष्टि का निर्माण करने के लिए।
क्या चेतना है सर? सेंटीमेंट को जगा दिया सर, कितना डीपली टचिंग है सर। तुम तीनों मिलकर मुझे टच मत करो, अभी बैठ जाओ। ये क्या भाई, यहाँ खड़े होकर आंखों से पानी क्यों बहा रहे हो? पानी नहीं आएगा तो क्या आएगा, उस वेंकटेश्वर ने एक नहीं दो दिन नहीं एक हफ्ते के लिए बाहर रहने को बोला है, पैरों का बैंड बच जाएगा। असल में तू लोग जा। अरे तू नहीं आएगा तो बोर हो जाएंगे यार। सही है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। कल मैंने एक बहुत महान हस्ती को बाहर खड़े होने के लिए कहा था। इसे बेंच पर खड़े हो जाओ। इसे सर? तुम ही। मना कर दीजिए ना। ईमानदारी से बेंच पर खड़े हो जाओ। सुनिए सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत समस्या हो जाएगी। मैं खड़ा हो जाऊंगा ना तो सारी लेडीज यहाँ से हो जाएंगी फट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो खड़े हो जाओ। ये बात है? हाँ। तो आपकी मर्जी, आपका नसीब। ये कौन सा अवतार है रे? काय का अवतार है? और ये घंटियाँ किस लिए? इंटरवल में बजाने के लिए लाया हूँ। ऐसी बात है, तो फिर शाम को गाय जैसे घंटी बजाते हुए कॉलेज के 200 राउंड मारने पड़ेंगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। 200 राउंड? अरे अरे संभल। सुंदरकांड रामायण महाकाव्य में एक अद्भुत दृश्य सुंदरकांड है। श्री रामचंद्र जी वीर हैं, सीता देवी सुंदरी। इतना ही नहीं, नाम से वानर कहलाने वाले हनुमान जी सुंदर हैं, ऐसा सुंदर कांड में लिखा। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कैसी आवाज है ना? समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? अरे क्या पता? ये क्या है? यूज किया हुआ ब्लेड है सर, आपके कुछ काम का नहीं। ये मुझे पता है, लेकिन तुम इससे क्या कर रहे हो? आप सुंदरकांड की कहानी सुना रहे थे तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया सर। देखो, इस क्लास में या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगा, सोच लो। सॉरी सर, मैं ही चली जाती हूँ। सर, प्रिंसिपल सर आ रहे। सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, डीओ आ रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वेंकटेश जी, ये हमारे डीओ साहब है, ठीक है? सर, ये वेंकटेश जी है, नए टीचर है। नमस्कार सर। नमस्कार का मस्का लगाकर बच जाओगे समझ रहे हो क्या? मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हो तुमसे सवाल करूंगा, अगर सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसी बात नहीं है सर। तुमने कब पढ़ाना शुरू किया मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ आ चुका हूँ, बिना काम के पंडितों को यहाँ से निकालने का काम शुरू करूंगा। लेकिन नो, वेस्ट, सब वेस्ट है। मैं सवाल पूछता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी सुंदर कांड के बारे में बता सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बता सकता। मैं बताऊंगी सर। बताओ। प्रपंच में कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाली एक चीज है, वो है दुख। पति से दूर लंका में रहने वाली सीता दोबारा नहीं मिल पाएगी, शायद वो इस दुख में है। राम अपनी पत्नी का पता न लगाने के कारण दुख में है, और उसी समय हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी देखकर उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। सीता जिंदा है ये राम जी को पता चलते ही उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। इतने दुख से भरे हुए मन को सुंदरता में तब्दील करना, यही सुंदर कांड मास्टर जी सिखा रहे थे, तब तक आप आ गए। वेरी गुड। जैसे चावल का एक दाना देखकर पता चलता है कि पका कि नहीं, वैसे ही एक स्टूडेंट से सवाल पूछने पर पता चला कि गुरु कितना अच्छा है। यू आर सो ब्रिलियंट। ऑसम। गुड 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 गुड। वेरी गुड। कीप इट वेंकटेश जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो चलें सर। मुझे बाहर भेजोगे? वेंकटेश सर जी, आपसे अच्छा तो इस रोजा ने बताया, आपका नॉलेज तो वेस्ट है। तुकाराम, इससे पहले तुमसे कितने राउंड लगाने के लिए कहा था? मालूम है सर, 200। तो आप 500 कर लो। रुकिए रुकिए एवरीवन, क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? आज कोई फेस्टिवल है क्या? ऐसा ही समझ लो, आज हमारा साइंस मास्टर नहीं आया है इसलिए सब खुश है। तुम सब लोग बहुत लकी हो, मेरी मैथमेटिक्स की क्लास है, बोरिंग है, आती हूँ। इतना जल्दी जाओगी? कुछ तो टाइम पास करके जाओ। दो कांटे मेरे दिल में भी चुबा के जाओ रोजा। ठीक है। हाँ राजा। अरे सुनिए वेंकटेश जी, आज फर्स्ट ईयर के साइंस टीचर नहीं आए हैं, जरा जाकर उनका क्लास ले लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं हिंदी का टीचर हूँ, साइंस कैसे पढ़ूं? बिल्ली ने जापान का रास्ता काट दिया तो उससे क्या जापान फेल हो गया था? ये सब पक्के शैतान है, ग्राउंड पर आ गए तो ऐसी तैसी कर देंगे हम सबकी। आप कुछ मैनेज कीजिए, जाइए ना। ओ अटेंडेंस, क्या बात है,
सबके चेहरे मुरझाए फूलों जैसे क्यों हो गए? बैड लक सर, साइंस मास्टर नहीं आए सोचकर हम झूम रहे थे और मजे भी करने वाले थे, लेकिन आप आकर मजा खराब कर दिए। ओहो ये बात है, तो तुम्हें खेल चाहिए या पढ़ाई चाहिए? दोनों ही चाहिए सर। ओके, तुम ग्रंथ भी लिखोगे तो कृष्णकंध कांड होगा और मैं गाना भी गाऊंगा तो वो सुंदर कांड होगा। इरंगा, what is this? ये क्या बदतमीजी है? अब मैं क्या करूं मैडम, मैं जब भी शॉट मारता हूँ बॉल उधर ही चला जाता है। अकल नहीं है क्या? ज्यादा बात नहीं करने का। ए, टीचर से ऐसी बात करते हैं क्या? तुझे बीच में पढ़ने के लिए किसने कहा है? रंगा ये क्या लफड़ा है? ए, हमारे बीच में मत बोल। लेक्चरर की इज्जत कैसे करते हैं सीख लो। ये सब पार्ट क्लास में पढ़ाना, चल जा। चुपचाप टीचर और मालती से माफी मांगो। माफी मांगू? हाँ मैं जानता हूँ तू बेअकल और बिगड़ा हुआ है, लेकिन गुंडा बनने की कोशिश मत करना इडियट। ये एक किलो देना। सर सर, कुछ गुंडे लोग अपने स्टूडेंट को मार रहे हैं। वेलकम मिस्टर वेंकटेश्वर जी। इस स्टूडेंट की पावर दिखाने के लिए और तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने इसे बुलाया है। वो तो बेवकूफ है, लेकिन तुझमें तो अकल। कैसे नहीं मालूम? तुम्हें मारने के लिए इसी ने मुझे बुलाया था। नो सर, ये गणेश चतुर्थी का चंदा मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया, इसलिए ये लोग मुझसे लड़ रहे थे। ये तो मुझे बचाने आया था सर। ऑलराइट, चलते हैं। ए, इनको जीप में बिठा दो, चलो चलो। सर, इसके बारे में आपने झूठ क्यों बोला? अरेस्ट होता तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, एक दिन भी जेल चला जाता तो इसका विद्यार्थी जीवन खत्म हो जाता। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं गुरु हूं तुम शिष्य हो। कॉलेज में अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा। हेलो मम्मी, क्या बात है मम्मी, क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हुआ कि रोती रहती हो? हॉलीडे शुरू होते ही मैं वहां पर आ जाऊंगी। मम्मी डैडी है वहां पर, फोन दो उन्हें। हेलो डैडी, आप मम्मी को हिम्मत बंधाओ, फिर छोटे बच्चों की तरह रो रही है, और बस 2 महीने ही है ना, हॉलीडे शुरू होते ही मैं वहां पर आ जाऊंगी ना। क्या उधर गड़बड़ चल रही है? डैडी आप संभालिए खुद को, मम्मी को भी आपको ही संभालना है ना। मैं रखती हूँ डैडी। देखो देखो, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट लेटर। मैं मास्टर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा, समझ रही हो ना? बी केयरफुल। बात है रोजा, मास्टर जी ने तुम्हें दोबारा लेटर दिया है क्या? लगता है वो ज्यादा ही स्पीड दिखा रहे हैं। अब तुम इस लेटर का जवाब दोगी या बोलो तो मैं ट्राई करूं? पहले तो इस शौक से बाहर आऊंगी, फिर उसके बाद डिसीजन लूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज से तुम्हारी किताब की जरूरत नहीं है, मैं खरीद कर लाया हूँ, तुम जाकर बैठ जाओ। चुप बैठो ना। हार, हार और सहानुभूति हर इंसान के जीवन में लगे रहते हैं। बच्चे कुछ भी हरकत करें माता पिता को सहन करना ही पड़ता है। क्लासरूम में जब बच्चा गलती करता है तो टीचर बताता है कि उसकी हार है। इतना ही नहीं, इस निकम्मे टेढ़े मेढ़े तुकाराम को उसके माता पिता ने इतने साल पढ़ाया है, इसका मतलब यह है कि यह उनकी सबसे बड़ी हार है। रोजा ए, चुपचाप बैठ जाओ। रोजा यहां।
देख लिया ना, वेंकटेश अपनी जगह से उठा, रोजा को बुलाया और अकेले में पाठ पढ़ाएगा। मुझे पढ़ाता तो कब का पास हो जाता है ना। हाँ। है ना। हाँ। देखो सेकंड टाइम सेकंड लेटर, अब बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर की भावनाएं, मेरे अंदर की सोच विचार अंदर ही दबाकर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोजा सेकंड लेटर, मास्टर साहब बहुत स्पीड में है, तुम अगर जवाब नहीं दोगी तो मैं जवाब दे दूं ने? मैं जवाब नहीं दूंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है। सुनो, तुम आज के बाद मेरे बाजू में नहीं बैठोगी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। दिस इज टू मच, टू बैड एंड स्टूपिड। तुझे अकल है क्या? थोड़ी सी भी समझ है? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। क्या सर, बॉलिंग भी आप कर रहे हो, बैटिंग भी आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलूँ क्या? मुझे लोगों को सुनाने के अलावा लोगों की सुनना पसंद नहीं है। आफ्टर ऑल एक स्टूडेंट होकर एक मास्टर को हूँ लव लेटर लिखती हो? लव लेटर? बेचारे हमारे वेंकटेश्वर जी बुद्धिमान हैं, सच्चे इंसान हैं, जेंटलमैन जैसा बिहेव करते हैं, वही अगर ये लव लेटर किसी और के हाथ में लगा होता तो अब। मेरी बात भी सुनिए सर, असल में ये लेटर्स इन्होंने लिखे हैं। किसने? मैंने? और नहीं तो क्या, किसने? पहली बार जब लेटर दिया तब इनके हाथ कांप रहे थे सर, और दूसरी बार जब दिया तब इनके पैर कांप रहे थे सर। स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए लेटर आपके पास लेकर आए हैं सर। पागलों जैसी बात मत करो सर, ये लेटर इसी ने लिखा है, मेरे जॉब की कसम। इन्होंने लिखा है सर, आपकी कसम। अरे वेंकटेश जी, आप जॉब की कसम खा रहे हैं, ये लड़की मेरी कसम खा रही है, तो अब मैं किसकी बात मानूं? इस लड़की की बात मानिए सर। कोई कहे स्टूडेंट को लेटर लिखा है, इससे पहले कॉलेज छोड़कर चला जाना बेहतर है। नो 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 नो, आप जैसे ब्रिलियंट टीचर को मैं बिल्कुल नहीं खो सकता हूँ। इस लड़की को क्या पनिशमेंट देना है आप ही बताइए। दोबारा कभी ये लड़की ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे, इसलिए 15 दिन के लिए इसे सस्पेंड कर दिया जाए। 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया तो इसकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा वेंकटेश जी। कोई बात नहीं सर, ये लड़की बहुत ब्रिलियंट है, बिना पढ़ाई इसने चुटकी में सुंदरकांड की कहानी बता दी थी। बस बस रहने दो, पूरी इज्जत खराब करके फिर पूछते हो कि कैसे हो। सस्पेंड करवा के खुश हो ना, बने रहो टीचर। हाँ? वेंकटेश जी, गो एंड टेक योर क्लास। रोजा, ये तुम क्या कर रही हो बोलो? उसने मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड करवाया ना, अब उसे भी इन 15 दिनों में सुकून से नहीं रहने दूंगी मैं। जाने देना। ओ वेंकटेश, मुझे माफ कर दे यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या हुआ रे? लव लेटर रोजा ने नहीं लिखे थे, मेरे बगल में बैठने वाले राजा ने लिखे थे। ये क्या बोल रहा तू? सही बात है, तुम्हें रुलाने के लिए राजा ने लव लेटर रोजा के बुक में रख दिया था। उस लेटर को देखकर तुमने गलत समझकर उस बेचारी रोजा को सस्पेंड करवा दिया। बेवजह सर पर इतने दिनों से शक कर रहे थे, किसी टपोरी लड़के के हरकत की वजह से उनका नाम दीवारों पर लिखकर उन्हें बदनाम कर दिया। बेवजह उनको टेंशन दे दिया हम लोगों ने, उनको देखकर ही तो पता चलता है कि वो इस तरह के इंसान नहीं है। सोच रही हो तुम? तुम पहले जाकर सर को सॉरी बोल कर आओ। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, उन्हें और भी कुछ बोलना होगा मुझे। ए रोजा, सर तुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं, मैंने कह दिया कि तू म्यूजिक रूम में बैठी है, वो देखो। ए तुम लोग बाहर जाओ ना। क्यों, हम लोगों के सामने बात नहीं हो सकती? नहीं सुनाना चाहती हूं ना, इसलिए भेज रही हूं। हां सॉरी रोजा, मुझे माफ कर दो। इंग्लिश में एक कहावत है,
इट इज इजी टू पुल डाउन नॉट इजी टू बिल्ड अप। गिरना तो आसान है, खड़े होना मुश्किल है। जल्दबाजी में आकर मैंने प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दी। मुझे पता है इससे तुम्हारा बहुत अपमान हुआ। इसका प्रायश्चित मैं कैसे कर सकता हूं? एक लड़की का नाम पहली बार किसी लड़के के साथ जुड़ना मतलब शादी के कार्ड पर ही होता है, लेकिन कॉलेज की दीवारों से हॉस्टल के बाथरूम तक आपके नाम के साथ ही लिखा हुआ है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें। यस, आई लव यू सर। क्या बात है सर, जवाब दिए बगैर ही जा रहे हैं? ये सारी बातें मत सोचो, तुम हद से बढ़ती जा रहे हो। देखो, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला मास्टर हूँ, तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए। इस तरह का ख्याल आना शुरू हो गया है सर। रामायण की शुरुआत भी सुंदर कांड से ही हुई है, आप ही ने बताया सर। मेरी जिंदगी भी छोटी सी रामायण जैसी ही है, लेकिन अब उसमें सुंदर कांड जैसी घटना ही नहीं घटी। अभी अभी स्वीट लव आपसे ही शुरुआत हुई है सर। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे अद्भुत सुंदर कांड में बदल दूं सोच रही हूँ सर। ये सुंदर कांड नहीं, युद्ध कांड है। बेकार की बातों में मत उलझो। देखिए, आप बिना मतलब कंफ्यूज हो रहे हो। खूबसूरत लड़की अगर पहली बार आपको आई लव यू बोलती है तो कोई भी इंसान उसको पलट कर आई लव यू ही बोलेगा। आप भी वही कीजिए। इसलिए आप घर जाकर आराम से सोच कर शांति से फैसला लीजिए। सर, आज आप मुझसे मुंह फेर रहे हो, पर कल आप ही मेरे पास आओगे। सी यू सर। संडे के दिन शानदार ड्रेस पहनकर कहीं घूमने जाएंगे ऐसा सोच रही थी, पर आप तो माली बने हुए हो सर। सुनो मालती, हाँ? यहाँ आओ। अभी आई सर। क्या बात है सर? मालती, हॉस्टल की लड़की तुम्हारे घर में कैसे? वो सर, तू रुक जा, मैं बताती हूँ सर। हॉस्टल से मालती के घर पर पेइंग गेस्ट बनकर आई हूँ। रहने और खाने के लिए 1000 रुपए दूंगी ऐसा तय हुआ है सर। यहाँ पर रहूंगी तो सुबह सुबह भी आपको देख सकती हूँ सर। ये हमारे सुंदर कांड का पहला कदम है सर। देखो, तुम ये सपने देखना बंद करो, ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। क्यों आप झूठ बोल रहे हो सर? मेरा नाम रोजा है, मुझसे प्यार होने के कारण ही रोज आप इस रोज को पानी दे रहे हो सर, प्यार से। देखो, इन बेकार की बातों में दिमाग खराब मत करो, मेरी बात मानो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान आप पर ही है सर। मेरी जिंदगी में पहली उम्मीद पैदा करने वाले आप ही है सर। जब ये पूरी होगी मन शांत हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठीक करके तुम्हारी जीप काट दूंगा, उस दिन मुझे शांति मिलेगी, समझी? सर, तेरी तो नानी माँ ये रोज। हाँ, यही पे रहो। आई आई। नमस्ते सर, थोड़ी देर हो गई। बेटी तुम अंदर जाओ। ए मालती, सर का तो कोई भी रिलेटिव नहीं है ना, तो ये कौन है? मुझे नहीं पता रोजा, हर हफ्ते वो औरत एक जवान लड़की को लेकर यहाँ पर आती है। हर हफ्ते एक नई लड़की लेकर आती है? हाँ, आते ही लड़की और मास्टर अंदर चले जाते हैं और वो औरत पेड़ों के पीछे खड़ी रहती है। अंदर झाँक कर भी नहीं देखती? नहीं देखती। और वो लड़की ना आधे घंटे में बाहर आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक घंटे में आती है। क्या लफड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे समझ में आ गया। ए चलो चोरी से देखेंगे। देखो, तुम घबराओ मत, मैं धीरे धीरे शुरुआत करूंगा। नई नई शादीशुदा लड़की जब पहली बार ससुराल आती है तो पंचमुखी दिया जलाने के लिए कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? शादी के बाद जब लड़की घर में कदम रखती है तो स्टोव जलाना ठीक नहीं है, इसीलिए दिया जलाती है। सॉरी, यू आर रॉन्ग। स्टोव, खाना, दाल, सांबर, चावल, ये सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहले भगवान के पास दिया क्यों जलाते हैं? भगवान के पास दिया जलाने से मन को शांति मिलती है। अगेन यू आर रॉन्ग, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं समझाता हूँ। जब किसी लड़की की शादी होती है तो प्यार, शांति, मन का धैर्य, अच्छे और बुरे की समझ, ये पांचों गुण उस लड़की में होने चाहिए, समझ गई ना? शायद तुम्हें पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो। कोई खास सुधार नहीं है, कुछ दिन और परेशानी होगी। कोई बात नहीं सर, अभी भी हमारे अनाथ आश्रम में 500 लड़कियां हैं, आपको जो पसंद है उसे शादी कर लीजिए। आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? कोई बात नहीं बेटा, आप तो बड़े ही नेक दिल इंसान है। आपके नानी माँ के देहांत के बाद आप तो अनाथ जैसे पले बड़े और एक अनाथ लड़की से शादी करने की इच्छा रखते हैं। आपके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, अगर ये शादी हो जाएगी तो आप बहुत बड़े आदर्शवादी बन जाएंगे बेटा। नमस्ते जी, हिंदी मास्टर वेंकटेश आप ही है ना? जी हाँ, मैं ही हूँ, आपकी तारीफ। शिवानंद आश्रम से आई हूँ। जो रोज आती थी वो कहाँ है? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर्दी खांसी बुखार है, इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं,
आपको मुस्लिम लड़की चलेगी ना? मुझे जाति की कोई परवाह नहीं है, मुस्लिम लड़की है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ इसकी मुझे आदत नहीं है, जब हमारी जोड़ी जम जाएगी ना तो सीख लूंगा। आइए अंदर आइए। ए, ये लो पैसे, बहुत अच्छा काम किया, जाओ जाओ, प्लान सक्सेसफुल हुआ। सक्सेस। आपका नाम क्या है? सुल्ताना रजिया, जिलमिल बुलबुल खटमल रजिया बेगम। आपकी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन जरा सी धीमी है, जब जोड़ी जम जाएगी तो एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैं आपसे एक सवाल, जनरल नॉलेज के संबंधित मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इसका जवाब दे सकते हो? हर बार मैं लड़की से सवाल करता था लेकिन आज तुम मुझसे सवाल करना चाहती हो, कोई बात नहीं, ओके ओके आई एम रेडी। देखिए जानवरों को तो भाषा आती नहीं, जन्म लेते ही भूख कैसे लगती है, दूध कैसे पिया जाता है, कैसे खाना खाया जाता है, ये सब उनको कैसे पता चल जाता है? हाँ सवाल तो अच्छा है लेकिन क्लियर नहीं है, एक बार और बोलो। जानवर का बच्चा पैदा होते ही माँ अपना पेट भरने के लिए कहीं चली जाती है, फिर बच्चे उसके पास दौड़कर आते हैं खाना खाने के लिए, ये बात उन्हें कैसे पता चलती है? दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड सिली क्वेश्चन। झिली झिली बैगम, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, आइसक्रीम बेचने वाला भी बता सकता है। अगर ऐसी बात है तो आप क्यों नहीं बता सकते हो? बता क्यों नहीं सकता हूँ, भगवान ने सृष्टि के कुछ जानवरों को आत्मा की बात समझने की शक्ति दी है। जानवरों को ही अंतरात्मा की समझ है क्या? इंसानों को नहीं समझ में आता है? जब एक लड़की रोती है तो उसके माँ बाप समझाते हैं उसे, तो उसके पति की क्या जरूरतें हैं? ये उसको नहीं समझ में आता होगा क्या? इन सब को समझ लेती है औरत, ऐसा आपको नहीं लगता? श्योर, डेफिनेटली, परफेक्टली। तो फिर होने वाली दुल्हन कैसी होनी चाहिए, उसका इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत? अगर लड़की टाइपिस्ट है तो हम उसे पूछ सकते हैं कि उसका टाइपिंग स्पीड क्या है। अगर वही लड़की शादी के लिए आई हो तो हम उसे एक्सपीरियंस के बारे में तो नहीं पूछ सकते? और अगर उसने हाँ कहा तो आपको तो अटैक ही आ जाएगा। गुड, तो मुझे पसंद आई, आई लाइक यू। लेकिन इससे पहले हॉस्टल में तुम जैसी लड़की से मुलाकात नहीं हुई? वो छोड़िए, आप मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले थे ना, पूछ लीजिए। दैट्स ऑल, इट्स ओवर, क्लीन बोर्ड। प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। गुड, वेरी गुड, आई लाइक यू अगेन। नई दुल्हन जब सास के घर में कदम रखती है तो उसे पंचमुखी दिया जलाने के लिए कहा जाता है, बताओ क्यों? थोड़ा सा कठिन सवाल है ना? कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, आराम से सोच कर बताइए। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, टेक योर ओन टाइम। देखिए आपके घर में पंचमुखी दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी के घर में पंचमुखी दिया हो। कुछ लोगों के घर में दो दिए होते हैं, कुछ लोगों के घर में दिया ही नहीं होता, कुछ लोगों के तो घर ही नहीं होते हैं। इसका मतलब वो लड़कियां घरेलू नहीं होती क्या? उनके अंदर मान सम्मान प्यार भावना ये सब चीजें नहीं होती क्या? गुड, मुझे जो समाधान चाहिए थे वो मिल गए, सेमीफाइनल तो तुम जीत गई। फाइनल में एक सवाल करता हूँ, तुम्हें गाना गाना आता है क्या? नहीं आता तो नहीं करोगी क्या? नो, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई। आपको भक्ति गीत चाहिए या रोमांटिक गाने चाहिए? भक्ति के गाने किस लिए? मैं हिंदी मास्टर हूँ, बहुत ही टीनेज वाले इमोशन है मुझमें, रोमांटिक गाना गाओ। हाँ जी, हरियाली ही हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत मंच, उस मंच पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ, उन लड़कियों के बीच। बेचारे मास्टर को कितना डरा दिया तुमने, कल से वो घर पर भी नहीं आए। मैं भी वही सोच रही हूँ, कॉलेज में जाकर अकेले बैठने वाला आदमी अचानक कैसे गायब हो गया? लगता है गांव चले गए, ये तूने अच्छा नहीं किया। इस तरह के व्यवहार से टेढ़े मेढ़े रास्ते भी क्लियर हो सकते हैं। वेंकटेश जी, मीना बोले ही शादी करके आ गए? टाइम नहीं था, जल्दबाजी में कर ली। हाँ क्या बात है वेंकटेश जी, बाजा नहीं, बारात नहीं, कम से कम भोजन भी नहीं, अचानक शादी करके दुल्हन लेकर आ गए। तुम अंदर आओ। रुको रुको, तुम पहली बार इस नए घर में कदम रख रही हो और तुम्हारे गले में सोने की चेन भी नहीं। हाँ, क्यों भाई, गले में सोने की चैन तो होनी चाहिए ना। बताया ना सर, टाइम नहीं था इसलिए अनाथ आश्रम में शादी करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या, आप अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे? चुप रहिए सिंगलपुरी शर्मा जी, ये लोग अभी शादी करके आ रहे हैं, आप बीच में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं दखल नहीं दे रहा हूँ भाई, दुल्हन के गले में सोने की चैन तो होनी चाहिए। आप रुकिए शर्मा जी, प्लीज तुम आओ। प्रणाम करो।
तो शुरू करें क्या? करते हैं करते हैं। क्या है कि टीचर वाइफ माँ की तरह स्नेह करने वाली, गुरु जैसा शिक्षा देने वाली, रंभा के जैसा प्यार करने वाली को ही तो बोलते हैं ना। इसीलिए विद्यार्थियों को विद्या सिखाते हुए, पति को सारा सुख देते हुए अपनी जिंदगी जिए, जिसे देखकर सारे लोग कहें अरे कैसे विचित्र लोग हैं ये लोग। यही मेरी ख्वाहिश है। ये लो शुरुआत करो करो। देखो स्टूडेंट हस्बैंड, अभी मैं जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ सवाल करूंगी, आप उनके जवाब देना। पूछिए टीचर वाइफ। पुरुष बाल क्यों नहीं बढ़ाते और स्त्रियां बाल क्यों बढ़ाती हैं और चोटी क्यों बनाती हैं? वेरी सिंपल, इतना नहीं मालूम। बाल छोटे होंगे तो गजरा कहाँ लगाएंगी वो। यू आर रॉन्ग, ये एक हिंदू नारी की परंपरा है। ओह, अब तुम ये बताओ कि सब लोग शादी में सिर पर सहरा क्यों बांधते हैं? वेरी सिंपल, इतना भी नहीं मालूम। सिर पर अक्षत डालते ही पल्लू फिसल कर न गिर जाए, इसलिए। अगेन यू आर रॉन्ग। अरे बाप रे। क्योंकि सहरा शुभ माना जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन कौन है? सद्दाम हुसैन वो एक आतंकवादी मैन है। घंटी बज गई, अब मैं स्टूडेंट नहीं तुम्हारा पति हूँ। अरे अरे छोड़ो भी। क्या? क्या बोलूं, तेरी तकदीर कितनी अच्छी है। हमें तो सवाल जल्दी पूछ कर भी पसंद नहीं किया और तुझसे कुछ पूछे बगैर ही शादी के लिए राजी हो गए। अभी नहीं पूछा बेटी, सुहागरात के वक्त ऐसा वैसा सवाल पूछेगा तो आड़े तेरे जवाब मत देना, अपसेट हो जाएगा। पति को फर्स्ट नाइट अपसेट कर दोगी तो लाइफ पूरी अपसेट रहेगी बेटा। अरे यहाँ क्यों खड़ी, अंदर चलो। अरे ये क्या कर रही हो, ऐसा करने के लिए किसने कहा? मुझसे शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चीची, पति पत्नी के रिश्ते में त्याग का मोल तोल नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में एक उदाहरण है, अ स्मॉल की ओपन द बिग डोर, मतलब एक छोटी सी चाबी से एक बड़ा सा ताला खुल सकता है। मतलब ऐसे ही एक स्त्री के लिए पुरुष होता है, एक पुरुष के लिए स्त्री होती है। सो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। डू यू फॉलो मी? गुड, आ जाओ बैठो बैठो बैठ जाओ। हाँ गुड। अरे ये क्या है, यहाँ क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो बैठो। आओ ना। देखो स्वाति, दुनिया में तीन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पहला ये क्या है, इतनी कमजोर हो, एक ही धक्के से गिर गई तो आगे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले प्यार करता हूँ जन्म देने वाले माता पिता से। दूसरा वो जो दीवार पर बैठी है ना, नानी माँ, मेरी ग्रैंड मदर। तीसरी जिसे मंगलसूत्र बांधा है, यानी तुम। वैसे मेल्टन ने दाम्पत्य के बारे में क्या बोला है पता है तुम्हें? खैर छोड़ो, तुम क्या जानो। वो देखो किताबें रखी है ना, उसमें से मेल्टन पैराडाइज लॉस करके एक मोटी पुस्तक रखी है, वो ले आओ। उसके अंदर पति पत्नी के अनुराग के बारे में अद्भुत वर्णन किया है मेल्टन ने। वैसे ही जब दुख आता है तो ये क्या ले आई तुम? मेल्टन पैरालाइज की बुक लाने को कहा तो महाभारत उठा लाई तुम? आप ही ने तो कहा था कि मोटी किताब ले आओ, उन किताबों में सबसे मोटी किताब यही थी। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है बताओ ना डार्लिंग, कहाँ तक की है? ये क्या है, उंगलियां क्यों दिखा रही हो? पांच तक। पांच? हाँ जी, हर साल मुझे पास करवा के पांचवी क्लास में बिठाती थी। फिर जब नई टीचर आई तो उसने मुझे तीसरी क्लास में भेज दिया, फिर मैं पीछे चली गई, फिर तीन से चार पे आई और चार से पांचवी कक्षा में आ गई। तो इससे पहले जब मैंने डू यू फॉलो मी बोला तो तुमने सिर क्यों हिलाया? आपने सिर हिलाया ना तो मैंने भी अपना सिर हिला दिया। नानी माँ। सुनिए जी, आप अपसेट हो गए हैं क्या? क्या बोला? मैंने कहा आप अपसेट हो गए हैं क्या? तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं जी, सुहागरात के दिन पति अगर किसी भी कारण ऑफसेट हो जाए ना तो सारी जिंदगी वो ऑफसेट ही रहेंगे, ऐसा हमारी हॉस्टल की माँ ने बोला। ऑफसेट नहीं मेरी माँ, अपसेट। अपसेट क्या है? वही जो आप बोल रहे हैं। इसका मतलब ये पढ़ाई के विषय में। ठीक है, पढ़ाई बाद में, दूसरी बात करते हैं। खाना बनाना आता है तुमको? सीधा सा सवाल पूछा, खाना बनाना आता है तुमको?
फिर से सर हिलाना शुरू कर दिया। खाना बनाना आता हो तो ऐसे करो, नहीं बनाना आता हो तो ऐसे करो। अरे अरे ये क्या बेटी, शुभ शादी करने जा रही हो और आंखों में पानी भर लिया? ऐसी बात नहीं है, हमारे हॉस्टल में किसी को भी खाना बनाना नहीं आता है। उठने से पहले ही खाना तैयार रहता था तो मैं खाना नहीं बना पाती। अगर उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये बना कर दो वो बना कर दो तब तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। फिर पागलों जैसी बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो भी तो कुछ नहीं आता है ऐसा मत बोलना, सब कुछ आता है कहना। अरे 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 झूठ बोलना तो गलत बात है। कोई गलत बात नहीं, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, सुहाग रात के वक्त मुझे ये मालूम नहीं वो मालूम नहीं करके अपसेट मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी अपसेट रहोगी। क्या सोच रही हो? हाँ हाँ मैं खाना बना लेती हूँ। सच बोल रही हो ना? हाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड। देखो वेजिटेरियन से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वेजिटेरियन में स्पेशल डिश बनाओगे तो मैं बहुत इंटरेस्ट से खाऊंगा। अभी नॉन वेजिटेरियन में चिकन मटन मच्छी तीतर कबूतर खरगोश का गोश्त बतख का गोश्त कछुआ और झींगा। देखो सुहाग रात के दिन पति से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अगर एक ही प्रश्न बार बार पूछे तो टक से लाइट बंद कर देना, अंधेरा होते ही पुरुष का मन बदल जाता है। वेजिटेबल कुर्मा, वेजिटेबल मर्चरी, वेजिटेबल कोफ्ता, वेजिटेबल चाउ, वेजिटेबल स्वीट एंड सूप, वेजिटेबल अरे ए, ये क्या है, लाइट क्यों बंद कर दी? पहली रात में ही इतनी सारी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा, सो जाइए ना। कोई बात नहीं, बाकी सारे विषय में तो जीरो हो लेकिन इस विषय में ओके 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 ओके। कितने बजे उठाऊं बताइए? अभी तो सोया भी नहीं और उठने की बात कर रही हो, बताइए ना कितने बजे उठाऊं? 9 बजे का कॉलेज है, 6 बजे उठकर तुम्हें रेडी हो जाना है। तो टिफिन के लिए क्या बनाऊं? सुबह डिसाइड कर लेंगे। नहीं नहीं आप अभी बताइए कि मैं क्या बनाऊं। सेमिया उपमा। अच्छा आप स्नान करके टिफिन खाओगे या टिफिन खा के स्नान करोगे? टिफिन करके स्नान करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, आप जो करना है शुरू कर देंगे। आप जाओ अभी तो। नानी माँ ऐसे घूर के क्या देख रही हो, अपनी आंखें बंद करो ना। भाभी जी क्या बात है बहू? भाभी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। हमारे वो है ना वो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है, ये सुनने के बाद वो ज्यादा ही अपसेट हो गए। हाँ फिर तुमने क्या किया? हाँ फिर तो मैंने यहाँ वहाँ की बात करके बात को वहीं पर संभाल लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। खाना बनाना आता है क्या ये पूछ रहे थे, अगर मैं बोलती हाँ? कि नहीं आता तो वो शायद फिर से अपसेट हो जाते हाँ? इसीलिए फौरन मैंने उनसे झूठ बोल दिया। अब क्या होगा पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह मुझे उठाकर वो कुछ मांग रहे थे, क्या था? हाँ एस्केफे कॉफी। एस्केफे नहीं नेस्कैफे। हाँ वही जो आप बोल रही हैं। फिर वो पकोड़े भी मांग रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। डरने की कोई बात नहीं है बहू, उन्हें जो कुछ भी चाहिए तुम पूछ लेना, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, तुम दे आना। एस्केफे कॉफी। अच्छा सोच रहा था कि दाल चावल भी बना पाती हो कि नहीं, बट कॉफी सुपर सुपर। हाँ? बाकी चीजें भी तैयार हो गए? हाँ तैयार हो रहा है। हाँ तैयार हो रहा है, वो कैसे? आपके स्नान करने तक तैयार हो जाएगा, मेरा मतलब ये था। ओके तैयार रखो तैयार रखो, कम ऑन। ये लो बहू देकर आओ। बहुत बड़ी आफत से बचा लिया आपने, थैंक्स। थैंक्स नहीं थैंक्स। हाँ वही जो आप कह रही हैं। क्या हुआ जी? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं है? अरे भाभी जी, अरे सुनिए भाभी जी, आप उन्हें क्यों बुला रहे? क्या बात है? आपके पति देव वही सिंगल पुरी शर्मा जी मुझे सुनाते रहते थे कि उनकी पत्नी जैसा सेवई उपमा कोई नहीं बना सकता, लेकिन आज देख लीजिए आप, शर्मा जी से बोल दीजिए कि मेरी पत्नी आपसे भी अच्छा बनाती है। मुझे भी भेज दिया था। भेज दिया था? खाया ना बहुत अच्छा बना था। ओहो भेज दिया था। I like you very much. आगे से तुम जो भी खाना बनाना उनके पास भेजना और उनकी तारीफ पाना। ओहो आई एम वेरी लकी पर्सन, वेरी लकी पर्सन। स्वीटी स्वीटी। स्वीटी क्या क्यों बुला रहे हैं? ठीक है स्वीटी अच्छा नहीं लगता, जानू भी अच्छा नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच का एक नाम रखते हैं, स्वाति कह के बुलाऊंगा। क्या मुस्कुरा रही हो पक्षियों की तरह। अच्छा मैं चलता हूँ। स्वाति स्वाति। हाँ? क्या हुआ? जल्दी में स्टाफ को शादी में नहीं बुलाया, दोपहर को खाने पे बुला लेता हूँ। एक काम करो चिकन बिरयानी बनाओ,
चिकन कोरमा बनाओ, चिकन करी बनाओ, समझ गई ना? हाँ हाँ समझ गई, चिकन करा। अरे बाप रे, चिकन करा नहीं मेरी माँ, चिकन करी ओके, सब कुछ बनाकर भेज देना। अरे अब क्या करूँ भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी तो ब्राह्मण है ना, ये सारी चीजें तो उनके घर में नहीं बनेंगी। अरे अरे अब क्या करूँ, इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है भगवान। ये रोजा, अब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। अरे 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 नानी माँ मदद कीजिए ना, चिकन करी कैसे बनाती है सिखा देंगी क्या? अरे बाप रे, अब क्या कर रही होगी वो? बेचारी तो सुबह से एक सब्जी तक नहीं बना पाई। अरे वो देख, पियो ना आ गया डब्बा लेने के लिए। मैडम जी, मैडम जी, साहब ने सारे स्टाफ के लिए खाना मंगवाया है, जल्दी से टिफिन दे दीजिए। आइए मैडम जी, मुझे देर हो रही है, जल्दी कीजिए। ये लो। ये क्या मैडम जी, खाली टिफिन है तो? लेकर जाओ ना। अरे आपने खाली टिफिन दी है, मुझे डांट खानी पड़ेगी, साहब पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। अरे भैया सुनो, ये रुको रुको। अरे मैडम जी, ये टिफिन क्यों ले रहे हैं आप? पहले चुप रहे तू। अरे भगवान, एक तो उसने टिफिन खाली दिया, ऊपर से आप लोग, ये क्या है? पेपर, इसमें क्या लिखा है देख तो। मेरे प्यारे पति देव, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपसेट मत होइए। मेरा प्यारा नमस्कार, आपकी धर्म पत्नी। स्वाति, स्वाति, माय डार्लिंग स्वाति, कहां पर हो? अरे ये क्या कर रही हो? आप मुझे मारिए, मेरे खाने के बारे में आपको समझ में आ गया ना? मुझे ही नहीं, पूरे स्टाफ को समझ में आ गया। तुम्हारे हाथ की बनी चिकन बिरयानी खाकर सारा स्टाफ खुश हो गया। अरे बाबा बाबा, तुम्हारा भोजन ही भोजन, सारा स्टाफ, तुम्हारी पत्नी तो खाना बनाने वाली देवी है, ऐसा कहकर सर पर चढ़ा दिया मुझे। अब मैं जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाऊंगा, बिना बताए ब्रेन करी बनाकर भेज दी तुमने। इससे खुश होकर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, एक तो नई साड़ी और मोगरे के फूल। इतना ही नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम वो क्या, बेडरूम, आ जाओ आ जाओ बेडरूम। जय जय कृष्णा मुकुंदा मुरारी। अरे जरा सुनिए मैडम, कल आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए थैंक्स, ये लीजिए। ये किस लिए? किस लिए क्या, कल आपने होटल की बिरयानी देकर मेरी इज्जत बचा ली। आपसे किसने कहा कि मैंने दिया है मैडम जी, वो तो बाजू वाली रोजा ने दी थी। रोजा ने? कौन रोजा? वो देखिए छत पर खड़ी है ना, वही। जय जय कृष्णा मुकुंदा मुरारी। अब आखिरी बात, सुखी संसार का मूल मंत्र बताती हूँ। पहली बात याद रख, अगर तुम्हारे पति को कोई दूसरी औरत खाना खिलाती है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई राज है। अच्छा तो तुम ही रोजा हो? हाँ, ए जल्दी से नीचे आओ, सुनाई नहीं देता? तू क्यों उतरेगी, चल मैं ही आती हूँ। बड़ी आई रोजा, रोजा रोजा रोजा, मैं बताती हूँ तुझे, आखिर तू होती कौन है? हाँ, मेरे पति को खाना खिलाने वाली, इस तरह का नाटक रचा कर मेरा संसार बर्बाद करना चाहती हो। वैसे तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए मेरा पति क्यों चाहिए तुम्हें? हाँ बता, ऐसी हरकतें करके मेरे पति को फंसाना चाहती है? मैं मार डालूंगी तुझे। सुनिए, इसे तो कुछ पता नहीं। तू अपना मुंह बंद रख, अगर इसकी साइड ली ना तो मजा चखाऊंगी तुझे। हाँ बड़ी आई, ओहो सर झुकाकर अनजान बनेगी तो क्या मैं छोड़ दूंगी तुझे? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ? सुन ले मेरी बात, बाकी की चीजें मुझे अच्छी तरह आती है, मेरा पति छीनने चली है, मेरे पति को कैसे संभालना है मुझे अच्छी तरह से आता है। भाभी जी, हाँ? आप इस लड़की का सामान फेंकी जल्दी। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, वो किसी दूसरे मर्द को खाना बनाकर भेजती है और अच्छी है। देखिए आपका पति तो बूढ़ा हो गया है, आपको तो फीलिंग्स ही नहीं है, लेकिन मेरा पति तो अभी जवान है, अगर उसने मेरे पति को फंसा लिया तो। ये बात नहीं है, आप रुक जाइए, ये लीजिए आपकी दी हुई गोल्ड की चेन। मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी मीठी मीठी बातों से आपको फंसाए रहती है, इसीलिए आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने भी तो तुम्हारे पति के लिए खाना बना कर दिया बहू, तो क्या मैं बुरी औरत हो गई? आपकी बात तो। सुनो बेटी, ये चेन मेरा नहीं है, उस लड़की का है, ये चेन ले जाकर उसको दे आओ। लेकिन अब चाची जी ये। देखो बहू, वो लड़की अच्छी है, उस दिन जब तुम अनाथ आश्रम से यहाँ पर आई थी तो उसने मुझे ये चेन देकर तुम्हारे गले में डालने को कहा, और उसने हार देकर मुझे क्या कहा पता है? उसे देख रही हूँ तो मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, मेरी बहन को सब लोग अनाथ कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये चेन लीजिए और उसे पहना दीजिए। क्या उसने मुझे बहन कहा? हाँ, मुझ जैसी अनाथ को जिसकी जात पात का कोई पता नहीं उसे बहन कहकर बुलाया? अरे सुनो रोजा,
मेरी बहन, मेरी लाडली, मैं आ रही हूँ। अरे अरे, इतनी प्यारी सी मासूम बच्ची को मैंने क्या कुछ नहीं कहा। छी छी, मैं कितनी बुरी बुरी बातें बोल गई, कितनी अनपढ़ हूँ मैं। मैंने तुम्हें बहुत बातें सुनाई ना, मुझसे नाराज होना। अरे वाह, ये ले, अब अपने हाथों से मुझे पहना दे। दीदी, मैं आपको खाना बनाना सिखाऊं? खाना बनाना सिखाओगी? दो दिन में सिखा दूंगी। मेरी कितनी प्यारी बहन है तू, चल। ये डाल दो इसमें? हाँ डाल दो। तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है दीदी कि दो दिन में ही खाना बनाना सीख लिया तुमने। मैं थोड़ी सीखूं, तूने ही तो सिखाया है। फिर भी ठीक है, उस दिन से मुझे आज से ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि डोंट फियर, आई एम हियर। ये क्या बात हुई, बात बात में अंग्रेजी बोलती हो, मैं और डर जाती हूँ। मैं जब बात करती हूँ तो ध्यान देके सीख लो, बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है ठीक है, एक एक शब्द करके सीख लूंगी। अब ये सांभर चख के बताओ कि ये कैसा बना है। फैंटास्टिक, ऑसम, थैंक्स। थैंक्स नहीं, थैंक्स। हाँ वही, जीजा जी ये सांभर के साथ नहीं खाते हैं, तो ग्लास में डालकर पी जाते हैं। पीते ही क्या बोलते पता है? क्या? बेडरूम जी। मुझे अरेस्ट कराया था ना? मैडम, मास्टर जी को गुंडे लोग मार रहे हैं। स्वाति, स्वाति, माय डार्लिंग स्वाति, जल्दी आ जाओ, भूख लग रही है। नाश्ते में क्या बनाया है? डोसा, उपमा, इडली, जलेबी, शीरा और दही बड़ा। ये सारी चीजें लेकर आ जाओ, जल्दी जल्दी। ये लीजिए। ये क्या है? उपमा आपके लिए। और वो सारी चीजें? जिसने मेरी जान बचाई थी, मेरी छोटी बहन रोजा, उसी के लिए। छोटी बहन? इसको हमारा बैकग्राउंड पता चल गया तो मेरा बैकग्राउंड नीचे हो जाएगा।
इन दोनों का दोस्ताना अगर बढ़ गया तो नानी माँ ये पोज बदल दो माँ, ये तो दुर्गा माँ जैसी हो गई है। क्या दीदी छोटे बच्चों की तरह, मैं खा लूंगी ना। चुप रहो, मुझे अपने हाथों से खिलाकर ही खुशी मिलेगी। अच्छा तुझे डॉक्टर ने 9 बजे आने को कहा था ना, पता है? हाँ पता है पता है पता है। वेंकटेश जी मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। क्या है? मेरा टायर पंचर हो गया है। तो मैं क्या करूँ? वो ऐसा है कि आपकी गाड़ी के पीछे बैठकर मैं भी आपके साथ कॉलेज चल चलता हूँ। हटा हटा पैर हटा। देखो ये सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है। मतलब मैं यहाँ से ऑटो से या पैदल कॉलेज जाऊँ क्या? देखिए आपको जो भी करना है करते रहिए, लेकिन इस सीट पर मेरी पत्नी के सिवा और कोई भी नहीं बैठ सकता। बिठाओ बिठाओ अपनी पत्नी को ही बिठाओ। पत्नी को पीछे बिठाकर बड़े मजे से रोड पर लपक झपक करते हुए जाना। बड़े स्कूटर वाले, अपने आपको संभालिए शर्मा जी, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जाइए। हाँ ठीक है, स्कूटर की धौंस मत दिखाओ। बस मैं आराम से आगे की सीट पर बैठ कर जाऊंगा, तुमसे आराम से पहुंचूंगा। शर्मा जी को स्कूटर की धौंस दिखाते हैं, चलो। सुनिए तो, स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ? इसे डॉक्टर ने 9 बजे बुलाया था, लेकिन इसे देखो केयर फ्री होकर बैठी है। क्या कहा? केयर फ्री। अरे केयर फ्री नहीं, मेरी इंग्लिश की माँ, केयरलेस केयरलेस। इसे पीछे की सीट में बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑटो स्टैंड पे जाके ऑटो से भेज दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऑटो स्टैंड यहाँ से 1 मील दूर है, इतना टाइम किसके पास है? तू बैठ जाओ। लड़की तुम इधर आओ, इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे, पता है कितना खतरनाक है। क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो सोचने दो, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बारे में कोई भी गलत सोचेगा। चलो बैठ जाओ। ए देखो ठीक से बैठो। कोई भी नहीं आ रहा है, शगुन अच्छा है। राइट राइट। सुनो रोजा, गिर जाओगी, अच्छे से पकड़ कर बैठना। हाँ ए हाथ हटा। हाथ रखने की परमिशन दीदी ने ही दी है। अरे परमिशन दी है तो ये तेरी दीदी का कंधा नहीं है। नानी माँ दोनों पागल हो गए। मारे बाप रे, मर गया। कहाँ? वो देखो। स्टॉप 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 स्टॉप। क्यों भाई मिस्टर वेंकटेश जी? मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी बात सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों भाई, तुम्हारे स्कूटर की पिछली सीट केवल लेडीज के लिए रिजर्व रहती है। ओनली फॉर योर वाइफ कहा था कि नहीं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। किसकी गलती है ये मैं नहीं जानता। तुम्हारे पीछे बैठी है वो तुम्हारी पत्नी है या फिर तुम्हारी होने वाली पत्नी है जो तुम्हारे पीछे बैठी है? ए मुंह बंद कर अपना। मैं हमेशा करेक्ट ही बोलता हूँ मैडम, मेरा कैलकुलेशन इधर से घुमाओ या उधर से घुमाओ सब जगह से घूम के करेक्ट होता है। क्या बोला था, शर्मा जी को लिफ्ट देने से इनकार किया था ना? ऐसे स्कूटर को तो सिंगलपुरी शर्मा जी ठोकर मारते हैं। हाँ। ये सिंगलपुरी शर्मा आज तुम्हें श्राप देता है, दो दो बीवियों के साथ तुम 100 साल तक भटकते रहो। तुम्हारी दूसरी शादी मैं ही करवाने वाला हूँ, तुम्हारे जीवन है तू, मेरा यही श्राप है, श्राप है, श्राप है। थैंक यू। अगर इनका ये श्राप सच हो जाएगा तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। तो एक ना एक दिन मुझे आपकी बीवी बनने का मौका जरूर मिलेगा मास्टर जी। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। सुना आपने? सुना, पर क्या कर सकते हैं। सुबह से उस बच्ची ने पानी को भी हाथ नहीं लगाया, इतना समझाने के बावजूद भी रोती ही जा रही है बेचारी। सुनिए आप जाकर उसे समझाइए ना। इतने सारे लोग कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है क्या? रोजा आपके स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, जितनी अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं दूसरा कोई नहीं समझा सकता। किसकी बात किस पर असर कर जाएगी ये बात हम भी नहीं जानते, इसीलिए एक बार समझा कर देखिए ना। हाँ बहुत बुरा। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। विसर्जन उत्सव सभा उनके साथ। हाँ तुकाराम जरा इधर आना। हाँ बोलिए। इधर आसपास में तुम्हारी जानकारी में कोई अनाथ आश्रम है क्या? क्या हुआ, अनाथ आश्रम में रहने वाले हैं? लगता है आपकी बीवी ने आपको बहुत मारा। ओह ऐसी बात नहीं यार, वो जो लड़के हमारे यहाँ किराए पे रहती है ना, उसके माँ बाप श्रीलंका से पैसा भेजा करते थे, लेकिन उनके मर जाने के बाद बेचारी 2 महीने से किराया नहीं दे पा रही है। अब उस लड़की को मैं भी अपने साथ कितने दिन तक रखूंगा, सोचता हूँ उसे अनाथ आश्रम में रहने के लिए भेज दूँ। वहाँ के बच्चों के साथ रहकर वो घुल मिल जाएगी और अपना अकेलापन भी धीरे धीरे भूल जाएगी, क्या कहते हो? आप कितने दयालु है सर, आप जैसे उत्तम मानव के लिए उस दुर्बल प्राणी को कसाई के हवाले करना ही उचित रहेगा। वो क्या है, नमस्कार क्या? नहीं, कद्दू। रोजा क्या बात है, कहीं जा रही हो? मम्मी डैडी के देहांत के बाद अब मुझे मनी ऑर्डर नहीं आने वाला है,
उन पर क्यों बोझ बनकर रहूं? इसीलिए किसी अनाथ आश्रम में जाने की सोच रही हूं। क्या कहा? अनाथ आश्रम जाओगी? मतलब हम सब लोग यहाँ पर तुम्हें गैर लगते हैं? ये बात अगर उन्हें पता लगी ना मुझे ही डांटेंगे। तू रो किधर? सुनिए जी, सुनिए, सुना आपने? रोजा कहीं और रहने के लिए जा रही है। कहीं और क्यों? जहाँ अभी तक रहती थी वहीं रहने के लिए कहो, नहीं तो हम लोग छोड़ाएं। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है। देखिए जी, वो लड़की मुझे दीदी कहती है तो उसे अनाथ आश्रम कैसे जाने दूंगी मैं? उसके अलावा मैं जानती हूँ अनाथ आश्रम में लड़कियों की क्या हालत होती है, इसीलिए रोजा को हमारे घर पर रहने के लिए बोलते हैं ना। नहीं दीदी, मुझे आपको तकलीफ नहीं देनी है, ये ठीक नहीं है। सुन लिया ना, वो लड़की हमारे घर पर रहना पसंद नहीं करती। जबरदस्ती रोकेंगे तो वो लड़की हमारे घर पर नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रह सकती? देखिए, आप सुबह स्कूल जाकर शाम को वापस आते हैं, मेरा साथ देने के लिए, मेरा हाथ बटाने के लिए घर पर एक कामवाली ढूंढने के लिए बोल रहे थे ना। रोजा के होते हुए हम ऐसा क्यों करें? मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? क्या मुझे उससे लगाव नहीं है? लगाव है ना, तो फिर क्या, रोजा हमारे ही घर पर रहेगी। सुनो रोजा, तुम्हारे जीजा जी क्या बोल रहे हैं सुना? तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं, तुम यहीं पर रहोगी, तुम्हें अनाथ आश्रम जाते हुए वो देख ही नहीं सकते। बेचारे तुम्हारे बारे में सोचकर कितने दुखी हो रहे हैं। अब ज्यादा मत सोचो, चलो अंदर चलो, जल्दी करो, चलो चलो। क्यों भाई वेंकटेश्वर जी, आप तो बास्केटबॉल के प्लेयर जैसे लगते हैं भाई। सही समय देखकर बॉल को नेट से बाहर जाने से पहले लपक लेते हैं। सिंगलपुरी शर्मा जी, हा? एक शब्द भी आगे कहा ना तो पूरी के आटे की तरह गूंथ कर रख दूंगा। महाशय, आप चाहे गूंधो या फिर दबाओ या गूंध गूंध कर गोला बनाओ, मैं भी देखता हूँ ना। एक शादी हो गई तो दूसरी शादी का। क्या है जी, सुबह से ये क्या लेकर बैठ गए आप? छे, बेकार का टेप रिकॉर्डर, सेकंड हैंड में अच्छा समझकर खरीद लिया था, अब रिपेयर करवाने के लिए जाता हूँ तो वो भी नहीं होता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, बिना गाना सुने नींद नहीं आती। अगर अभी गाना सुनना है तो मैं गा सकती हूँ। क्या कहा, तुम गाना गा सकती हो? और क्या जी, इतना कम समझ कर रखा है क्या मुझे? हमारे आश्रम में जो फंक्शन होता था ना, जब बड़े बड़े लोग आते थे तो मुझसे ही तो गाना गवाते थे। गाना गाते समय एक साथ तालियां गूंजती रहती थी, तालियां बजती थी तो मैं और गाती थी। तो तुमने इतने दिन बताया क्यों नहीं डार्लिंग, एक गाना सुना दो ना। अब दरवाजा बंद कीजिए ना, कोई सुन लेगा क्या? वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा गाना आपके अलावा कोई ना सुने, मेरा गाना आपको ही समर्पित है। क्या बोल रही हो मेरी कोयल, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। तुम्हारा गाना तो मुझे ही समर्पित है, मुझे ही समर्पित होना चाहिए। ओके, अब गाकर सुना। क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे मत घूरिए, मुझे शर्म आती है। तुम्हारे चेहरे की तरफ नहीं देखूं तो कहां देखूं? आप पीछे पलट जाइए। मुझसे कैसी शर्म? आप पीछे मुड़ जाइए ना तो ही मैं गाऊंगी। ओके ओके ओके, मेरी पीठ पीछे गाओ, गाओ। हाँ। हे भगवान, माता पिता नहीं है, खाना पीना नहीं है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। रुक जाओ, मेरी माँ के पेट में बम लगा है क्या? हे भगवान, हे भगवान, अरे ये कोई गाना है क्या? कोई सुनेगा तो कहेगा कोई मर गया, शोक गीत है, ये शोक गीत है। नानी माँ, नानी माँ, क्या सचमुच मेरा गाना पसंद नहीं आया? क्या हुआ दीदी, इतनी बड़बड़ करने वाली लड़की आज उदास क्यों है? रात में तुम्हारे सो जाने के बाद ना, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे गाने के लिए कहा। आपने गाया? हाँ गाया था, लेकिन पसंद नहीं आया। क्यों, अच्छा नहीं लगा? मुझे क्या पता, मैं जब गाना गाती थी तो आश्रम में सब लोग तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें पसंद ही नहीं आया। तुम्हें गा के सुनाओ। हाँ सुना दो। हे भगवान, माता पिता नहीं है, खाना पीना नहीं है, हे भगवान, माता पिता नहीं है। बेचारे, तुम दोनों के माँ बाप नहीं है, ये लो। ये क्या रोजा, इसका मतलब मेरा गाना भीख मांग कर खाने वाला गाना है, शायद इसीलिए वो अपसेट हो गए थे। देखो दीदी, तुम्हारा गाया हुआ गाना अच्छा नहीं है, पर तुम्हारा गला बहुत अच्छा है। तुम खाना बनाना कैसे सीख गई? वैसी मैं तुम्हें गाना गाना भी सिखा दूंगी। कसम से, कसम से। चलो चलो। स्वाति, तुम इतना अच्छा गाना गा सकती हो, फिर उस दिन भगवान का गाना गाकर मुझे डरा क्यों दिया? जाइए ना। नो नो, शर्माओगी तब भी नहीं छोड़ूंगा, अब तो तुम्हें गाना गाकर सुनाना ही पड़ेगा। डोंट वरी दीदी, गाओ। कुछ बातें करो तुम प्यारी प्यारी, मेरी चाह करो तुम पूरी सारी। सुनो रोजा। जी दीदी। आई एम गोइंग टू मंदिर, यू आर हियर, मास्टर घर कमिंग, एनी वॉन्टिंग,
अब आगे का आ ही नहीं रहा है। अगर इनको कोई जरूरत हो तो तुम दे देना। हाँ हाँ ठीक है। स्वाति कहाँ है? अंदर बाथरूम में नहा रही है। देखो वो पहले से ही पागल है, छल कपट से उसका कोई रिश्ता नहीं। दीदी वीदी बोलकर उसे धोखा देने की कोशिश की। दीदी तो बहुत भोली है ही सर, ना बोला फिर भी स्कूटर पे बिठा दिया, घर में सहारा दिया, अब पता नहीं क्या क्या करवाएंगी। पागल हो गई हो क्या बेवकूफ लड़की? आ छोड़ दीजिए मुझे, क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो प्लीज। आ दीदी। स्वाति स्वाति नहीं 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 स्वाति, मैंने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप चला रही। स्वाति 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 नहीं थी क्या? दीदी मंदिर में गई है, बाथरूम में नहीं है। नानी माँ, मैं तो जानते नरसरिया, तुम्हारी दुआ और हलवे से ही हम पति पत्नी का संसार चल रहा है। क्यों तुकाराम, मैं रोज देखता हूँ, मेरे घंटी बजाने के टाइम पे तुम रोज लेके जाते हो, क्या बात है? स्कूल में घंटी बजाने वाले को ये सब क्या समझ में आएगा? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। अरे तो जाना, जाकर घंटा बजा, मुझे भाषण सुना रहा है। अरे बाप रे, ये क्या किया रे तूने? मेरे मोगरे का फूल और हलवा गिराकर तुमने मेरे संसार में तकलीफ डाल दी। पागल हो गया है क्या? हलवे का, मोगरे के फूल का और संसार का क्या संबंध? हलवे का और मोगरे के फूल का और संसार का कोई संबंध नहीं है बेवकूफ कहीं का, इसीलिए टक टक करके मास्टर बन गया है और मैं टक टक नीचे उतर के टीचर का पति बन गया हूँ। तो काराम तेरा होलिया बिगाड़ दूंगा, जो कहना है साफ साफ कहो। मोगरे की खुशबू सुनकर एक मुर्दा सांप भी फुस करके खड़ा हो जाता है और नागिन की तलाश में निकल पड़ता है। ये हलवा खाने के बाद रोम रोम में जोश भर जाता है और एक पल में मन गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जरा अपनी पत्नी को खिलाकर देख। तुझसे ये किसने कहा कि हलवा खाने से जोश आता है? काठमांड प्रोफेसर जिलवा ने बोला, ये खाने पर मन में जोश भर जाता है और सब कुछ कलरफुल हो जाता है। ये सब किस लिए? मुझे ये कलर बलर का शौक नहीं है। चुप बैठो दीदी, सर को देखो वो कितने यंग दिखते हैं। जब वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो कॉलेज के स्टूडेंट की तरह ही तो लगते हैं, कितने हैंडसम लगते हैं सर। स्वाति माय डार्लिंग स्वाति, टन टन क्या है ये? ये हलवा, ये मोगरे का फूल। किस लिए जी? किस लिए क्या, प्यार करने से पहले मुंह मीठा करने से जोश आता है और मोह के लिए मोगरे के फूल का गुब्बारा बनाने के लिए कहा जाता है। छी छी, आज शुक्रवार का व्रत है। तो फिर परसों? वो तो बुधवार का व्रत था। कल कल वो गुरुवार का व्रत था। ऐसे ही हर एक वार के लिए व्रत रखती रहोगी तो पति के लिए कौन सा वार बचेगा? क्या है जी, ये सब मेरे लिए थोड़ी है, ये सब तो आपके लिए ही है। आप शांति से 100 साल आरोग्य रहें, इसीलिए। शांति से 100 साल आरोग्य? अभी मेरे आरोग्य की क्या टेंशन है, अंधा हो गया हूँ, टीवी पेशेंट हूँ। देखो साथी, ये हलवा खाने से ना जोश बढ़ जाएगा, हमारे अंदर कुछ आ जाएगा और उसके बाद हम लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, जोश में प्यार करेंगे। अरे छोड़िए ना। हे भगवान, नानी माँ। सर हलवा मुझे भी खाने दीजिए ना, उत्साह बढ़ जाएगा सर। खाना खा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, खाऊंगा या नहीं खाऊंगा क्या फर्क पड़ता है? क्या है जी, इतने नाराज क्यों हो? ऐसा क्या हुआ जो आप खाने को फेंक रहे हो? सिर्फ दूर किया है इसलिए खुश हो जाओ। क्यों, नहीं तो मेरे सर पे डाल देते क्या? है? ये क्या है, रोज रोज तुम्हारी आवाज ऊंची होती जा रही है, एक शब्द भी और बोली ना तो इस चमचे से सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या कहा, अब मुझ पर हाथ भी उठाओगे आप? मैं तो समझ गई थी कि किसी न किसी दिन आपका हाथ मुझ पर जरूर उठेगा। मैं आज व्रत की वजह से समय नहीं दे पाई तो मुझे मारने तक का सोचा, ये पता नहीं क्या करेंगे। मैं जानती हूँ मैं अनाथ हूँ ना, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये रोना धोना क्यों मचा रखा है, सारे मोहल्ले वालों को सुनाना है, सबके सामने तमाशा करना है, चलो अंदर जाओ। हाँ जाऊंगी मैं, तुमने क्या समझा था मैं यहीं पर रहूंगी? हाँ जाओ जाओ, जहाँ जाना जाओ। हाँ जाऊंगी मैं, बगल वाली भाभी जी के पास। हाँ बगल वाली भाभी के यहाँ जाकर रहो। तुम कितना भी बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगी, चिल्लाने पर भी नहीं आऊंगी। बहुत एहसान कर रही हो मुझ पे, जाओ अपनी भाभी के पास जाकर रहो, भाभी के घर पर रहेगी, दाल चावल खाएगी, तब पता चलेगा कि चिकन बिरयानी का मजा क्या होता है। 2 दिन में लौट आऊंगी, मुझे पता है, भाभी के घर जाएगी। ये क्या, तुम उससे झगड़ा करके यहाँ पर आई हो? हाँ झगड़ा करके आई हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मैं व्रत करती हूँ, और वो जो है मुझे हलवा और मोगरे का फूल लेकर कमरे में आने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला कि मैं नहीं आऊंगी, इतना बोली कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। तो क्या घर छोड़ दोगी? वेंकटेश्वर जी आप तो चेस प्लेयर की तरह है भाई। पलक झपकते ही लड़कियों को यूं गायब कर देते हो, पहले तो रोजा को हॉस्टल से मेरे घर तक पहुंचा दिया और उसके बाद धीरे धीरे पुश कर करके मेरे घर में रहने वाली रोजा को अपने घर में शिफ्ट कर लिया।
उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी पत्नी को मेरे घर बड़ी होशियारी से भेज दिया। क्या ट्विस्ट है, क्या चेंजेस है, ये सच है या सपना? तुम तो रासलीला के हीरो हो यार। तुमको नमस्कार। सिंगलपुरी शर्मा जी, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, और टेंशन मत दीजिए, मारूंगा तो डबल हो जाओगे। आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, दरवाजा बंद कर लो, मैं यहाँ बैठे बैठे गाना गाता हूँ। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, ढिंक चका मर गया। देखो बहू, वहाँ घर पर एक जवान लड़की है, अपने पति को उसके साथ छोड़ के तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। खिलते हुए कली के पास भंवरा तो मंडराएगा ही ना बहू। अरे हाँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी है। ये व्रत है या मेरा संसार खराब करना, मैं जाकर हलवा खा लूंगी। सुनिए सुनिए, मुझे अकल आ गई है जी, मैं कितनी पागल थी। रोजा तुम, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा अकेले रहना अच्छा नहीं है ना दीदी। क्या अकेली वहाँ सोना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ आकर सो गई? अरे रे रे मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है ना। सुनिए जी सुनिए, हर बार को व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, गलती से अगर एक दिन व्रत छूट भी गया तो कोई पाप नहीं है, नारियल फोड़ने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी जी भी ऐसा ही करती है। सुनिए जी सुनिए ना, आप कहाँ पर हैं? अरे कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? अरे 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 कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। अरे रोजा तुम यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ, क्या हुआ? रोजा सब कुछ खत्म हो गया, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, शायद मुझे छोड़कर चले गए, बहुत बड़ी पापिन हूँ मैं। तुम थोड़ी देर शांत रहो दीदी। नहीं रोजा, तुम उनको नहीं जानती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सोने जैसा आदमी, भगवान जैसे आदमी को मैंने क्यों इतना कुछ कह दिया, और बिना खाए पिए ही चले गए, कहाँ पर होंगे वो, मैं क्या करूँ। ला 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 ला। अरे वेंकटेश जी, ये क्या, हलवा खाने के बाद जोश में रहने के बजाय ऐसे ठंड में यहाँ मंदिर के सामने सो रहे हैं? वो हलवा नहीं है, आग की चिंगारी है, मेरे घर का ज्वालामुखी है, तुम्हारे दिए हुए हलवे से मेरा संसार बिखर गया है, तुम्हारी सलाह मानकर मैं कहीं का नहीं रह गया। हलवा खा करके आपको प्रॉब्लम हो गई? हमें देखिए, हलवा खाकर जोश में आकर हम दोनों साथ साथ रात में फिल्म देखने जा रहे हैं। हमारे लिए वो हलवा हलवा नहीं, अमृत है अमृत। ये ऐसे क्यों सो रहा है, कहीं हमारा हलवा रिवर्स तो नहीं हो गया? हमें क्या करना है वेंकटेश जी, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। डिंक चिका डिंक चिका। अरे 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 अरे, ये क्या है जी, इतनी ठंड में आप बाहर सो रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो? हमारे बीच कितने भी झगड़े क्यों ना हो, आप घर पर भी तो सो सकते हैं। यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारे बीच में झगड़ा हुआ तो तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? तुम घर में नहीं रह सकती थी, घर में एक जवान लड़की रहती है, उसके साथ मैं अकेले रह सकता हूँ? अरे अरे, ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, अरे बताओ। मैं पापिन हूँ। सर क्यों पीट रही हो? क्योंकि मैंने भगवान जैसे पति पर शक किया। ए रोजा यहाँ आओ। अरे आओ ना यहाँ, ये भी बिल्कुल आपके ही जैसी है, मैं घर पर नहीं थी तो अकेली कैसे रहूंगी सोचकर ये भी बाहर आकर सो गई। मेरी छोटी बहन को मेरा कितना ख्याल है ना, मेरी प्यारी बहन, ईश्वर जैसा पति है और देवी जैसी बहन है, मैंने बेकार में इतना झगड़ा कर लिया। हे गणेश जी, मुझे अच्छी समझ आ जाए, ऐसी बुद्धि दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सुनिए जी, हम तीनों मिलकर रह रहे हैं इसीलिए कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम दोनों को बिठाकर तुम दोनों की नजर उतारती हूँ। मुझे नहीं, इसको ले जाओ। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है, उनको छोड़कर मेरी नजर उतारोगी, कैसे चलेगा? दोनों की नजर उतारो। हाँ हाँ, वो जो भी बोल रही है करेक्ट है, चलो जल्दी से नजर उतारती हूँ। स्वाति, रोजा को लेकर आओ, रेडी हो रही है, जल्दी रेडी होने के लिए कहो। लीजिए खाइए ना, ये मेरा नहीं है, आपका ही है। अच्छा मेरा है। रोजा दीदी, मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ? तेरे माँ बाप नहीं है इस बात का, वो लोग कितना अफसोस कर रहे हैं, इस बच्ची की शादी करने की जिम्मेदारी हमारी है ऐसा सोचकर वो कितनी मुश्किल से एक रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी बच्ची है ना तू, चलना। हाँ लेकिन एक शर्त पर, वो लोग मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि मैं ही सवाल करूंगी, वहाँ पर मेरे समझने लायक कुछ विषय है। ठीक है पूछ लेना, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ। चल। ए, बात करे। हाँ, तुम्हारा नाम? रोजा। कहाँ तक पढ़ी हो? इंटर। आगे भी पढ़ सकती थी ना? एक लड़की के लिए जितनी पढ़ाई काफी है उतनी कर ली। खाना अच्छा बना लेती हो ना? इस समय जो खा रहे हो वो मैंने ही बनाया है।
पिताजी ये लड़की जो है मुझे बहुत पसंद है, बाकी की बातें आप कर लीजिए, जल्दी करिए, फैन से मेरे बाल उड़ रहे हैं। देखिए मास्टर जी, मेरे लड़की को लड़के को लड़की पसंद आ गई, अच्छी बात है, लेकिन हमारी लड़की को भी लड़का पसंद आना चाहिए ना। अब हमारी लड़की आपके लड़के से सवाल करेगी तब पता चलेगा। पूछो रोजा। क्या कह रही हो स्वाति, हमारे समाज में ऐसा नहीं। आप जो बैठिए ना। अरे भाई आप रहने दीजिए ना, आप पूछिए ना। मैं बीए लिटरेचर हूँ और ये लड़की क्या है, आफ्टर ऑल इंटर। आस्क योर क्वेश्चन, आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम। तू पूछना रोजा। एक लड़की औरत कब कहलाती है? एक लड़की औरत कब कहलाती है? समझ गया, वेरी सिंपल। जब बच्चा जन्म लेता है तब हॉस्पिटल में नर्स देखकर वो स्त्री है या पुरुष बता देती है। आपका जवाब सही नहीं है, आप सोचकर बोलिए। ऐसा नहीं है, एक लड़की जन्म लेती है तो। अरे अरे ये क्या, आप चुप रहिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, सवाल कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए खुलकर बोलने के लिए बोला। एक मिनट, मैंने जो जवाब दिया है वही राइट है और आपने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ही गलत है। नहीं पता है तो बोल दो ना, इस तरह के बेवकूफाना जवाब हमें नहीं चाहिए, तू ही जवाब दे दे। तो दो ना। जब एक लड़की जन्म लेती है तब वो 25% लेकर आती है, पुरुषवती होने के बाद 50% लेकर आती है, उसके बाद शादी के बाद पत्नी बनकर 75% ले आती है और आखिर में एक बच्चे को जन्म देकर 100 में से 100 मार्क्स ले आती है। परिपूर्ण स्त्री जैसे वो एक औरत कहलाती है। आए हाय, क्या बात बोली तूने रोजा, मेरी गुड़िया है। क्यों भाई तूले राजा, बीए पास किया है और जवाब देने में हवा निकल गई। सुनिए जी, हम लड़के वाले हैं, इज्जत से बात कीजिए। सोच लो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कितना समय लग सकता है। हम तुम्हें जाने के लिए जा बोलेंगे उतना समय। छी, बगैर सोचे समझे यहाँ आ गया, मेरी ही गलती है, चलो। किसी मास्टर का घर है, इज्जतदार घराना है, सोचकर हम यहाँ आए थे। मास्टर के बारे में गलत बात करेगा तो बोल दूंगी। मेहमानों से ऐसे बात करेंगे तो। चुप रहिए, क्या है आपके मुँह में जैसा आएगा बकते चले जाओगे और मैं देखती रहूंगी। क्या है तू क्या बात कर रहा था, चल चल निकल यहाँ से। चल। मैं भी देखती हूँ कि यहाँ आसपास तुझे कौन लड़की देता है। सर हमारे सुंदर कांड का क्लाइमेक्स आ गया है। यहाँ पर नहीं, शाम को सागर पार्क में आना, वहाँ तेरा हिसाब चुकता करता हूँ। बताऊंगी तुम लोगों को भी। आओ, क्या है, क्या हरकत है तुम्हारी, हर दिन तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। तुम अनाथ हो इसलिए मेरी बीवी ने तुम पर तरस खाया, कितने विश्वास से अपने घर में पनाह दी तुम्हें, उस औरत के साथ अन्याय कर रही हो तुम। मेरा तो आपके साथ शादी करने का सपना था, लेकिन आप जब शादी करके आए तो मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूंगी। जब ऐसा सोचती हो तो ये क्यों कहा कि 7 शादियों के बाद 8वीं दुल्हन बनकर आओगी। जिंदगी में ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए सर, जब तक हम जिंदा है हंसते रहना चाहिए सर। इसका मतलब शादीशुदा आदमी के पीछे मंगलसूत्र लेकर घूमना चाहिए, या तुम्हारा मकसद एक शादीशुदा आदमी से उसकी जिंदगी की खुशियां छीनना। आपने मुझे धोखा देके दीदी से शादी कर ली, वो पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए दुखी हो गए, उन्हें खाना बनाना नहीं आता ये सुन के आप और दुखी हो जाते, इसीलिए मैंने दीदी से दोस्ती बढ़ाई, उसे सारी चीजें सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया। बस करो आप, अगर मुझसे उम्मीद नहीं है तो तुमने उससे शादी क्यों ठुकराई? शादी मुझे पसंद नहीं है और ना ही करनी है, ना करूंगी ना करना चाहती हूँ इसीलिए। मतलब तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहोगी? देखो मेरी पत्नी के बारे में सब जानती हो, वो वैसे जितनी अच्छी औरत है अगर गुस्सा आ जाए तो उतनी ही बुरी औरत है, उसे पता चल गया तो मुझे भी मार डालेगी, खुद को भी मार डालेगी, नहीं तो वो फिर। अरे स्वाति तुम यहाँ कब आई, अभी आई हो ना तुम यहाँ आकर, कुछ सुना तो नहीं तुमने कि हम क्या बात कर रहे थे? वैसे कोई बात नहीं थी, इसने शादी को ठुकराया था ना, इसलिए मैं इसकी क्लास ले रहा था। चलिए ऑटो ऑटो बैठ जाओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहले बैठिए तो। पहले कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आइए बताती हूँ। रुकिए मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ।
डॉक्टर साहब, यही लड़की है, आप चेकअप कर लीजिए। चेकअप? वो किस लिए? कुछ मत बोलो, जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है दीदी। ठीक है बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, बस एक चेकअप करना है, आ जाओ। बात क्या है स्वाति? आप चलिए बताती हूँ। पिछले 2-3 दिन से रोजा के बर्ताव में बदलाव नजर आ रहा है। बोल रही थी कि आप और मास्टर अच्छे से रहना और मुझे भूलना मत, जैसे कि सबको छोड़कर बहुत दूर जाने वाली हो। मुझे तो शक हुआ तो मैंने उसका बक्सा खोलकर देख लिया। देखिए उसका ही रुमाल, ये देखिए। डॉक्टर, आई एम सॉरी। उसे एक खतरनाक बीमारी है जो उसे पहले से पता था। मैंने चेकअप किया तो कंफर्म हो गया। अब वो बेचारी ज्यादा दिन तक नहीं जिएगी। ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए सर। जब तक हम जिंदा हैं हंसते रहना चाहिए सर। उसके घर वालों को इस बात का पता ना चला इसलिए श्रीलंका से यहां आई थी। आप लोगों को भी बताने से मना किया था लेकिन मैं रोजा। क्या रोजा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी? मुझे तो यकीन नहीं होता भाई। इतनी ज्यादा तकलीफ में रहते हुए भी वो हमेशा हंसती खेलती रहती है। इतनी भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी उसने आज तक किसी को बताया नहीं। ये तो बहुत अन्याय है वेंकटेश्वर। ये काल उसकी मुस्कुराहट को छीन लेने वाला है। सब कुछ जानते हुए भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ कर देना वेंकटेश्वर, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैंने हमेशा तुम्हें तंग करके मजे लिए, लेकिन आज अपने आंसू बहाकर भी अपनी गलतियों को धो नहीं पा रहा हूँ। बेचारी लड़की बनकर जन्म लिया और घर गृहस्थी का अनुभव किए बिना ही चली जाएगी, इसे सोचकर ही बेचारी रोजा किसी भी खुशी को बिना अनुभव किए हमसे दूर हो रही है। उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए, इसलिए आप आपके कहने के अनुसार उस लड़की को पूरे 75 मार्क्स देकर उसे हल्दी कुमकुम के साथ उसको सुमंगल। सर सर, रोजा ने आपको अर्जेंट स्कूल में बुलाया है। Thank you.
नमस्कार सर, मैं रोजा बोल रही हूँ। क्यों दुखी हो रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, शांति से आपके मन में जिंदा रहूंगी। सर, एक मास्टर ने एक स्टूडेंट को पवित्र नजरों से देखना ये आपका आदर्श है। उस आदर्श को सच साबित करने के लिए भगवान ने मुझे आपकी स्टूडेंट बनाकर आपके पास भेजा। सुंदरकांड की सीता इतनी तकलीफों में जीते हुए भी अशोक वाटिका में रह रही थी। मेरे शरीर में कैंसर है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, पर मेरी दुख तकलीफ दर्द आप ही की वजह से भूल गई। सुंदरकांड की सीता अपने दुखों से जैसे बाहर नहीं आ सकती, वैसे हमारे सुंदरकांड में मैंने भी अपने दुखों से बाहर आने का प्रयत्न किया। मेरी इच्छा अब पूरी हुई। मैंने दुनिया छोड़ दी तो क्या हुआ, मेरे लिए आंसू मत बहाना। मैं तुम लोगों से दूर नहीं हूँ। दीदी जब खाना बनाएगी तो उसके स्वाद में मैं रहूंगी। दीदी जब गाना गाएगी तो उसके सुर में मैं रहूंगी। दीदी जो भी काम करेगी मैं उसमें रहूंगी। मुझे महसूस करना, ठीक है ना सर? मैंने मंगलसूत्र को तुड़वा कर आपके पैदा होने वाले बच्चे के लिए गले की चेन, हाथों के लिए कंगन, ब्रेसलेट, ये सब बनाया है। जल्दी से मैं आपकी बेटी बनकर आऊंगी सर। नमस्ते सर, बाय दीदी।